फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग जो है पावर ट्रांसमिशन में बहुत सारे जो है बेल्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और अभी फिर देखिए बेल्ट का कॉन्सेप्ट। दिस इज दी बेसिकली बेल्ट एंड दिस इज दी ड्राइविंग पुली एंड दिस इज दी ड्रिवन पुली। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरियस वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो दैट द ड्राइविंग पुली पुल्स the belt from one side and drivers the same to the other side. ये जो है tight side, so it is the tight side and this is the slack side. But in case T1, ये तो concept clear है अपना कि T1 will be greater than always will be always greater than T2. तो suppose T1 and T2 is the belt in the tension in the tight side and स्लैक साइड, ठीक है। और यहाँ पे अब हम फिगर नहीं बनाएंगे दोबारा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि T1 आपका क्या है, टाइट साइड का है, टाइट साइड टेंशन, और T2 क्या है आपका, स्लैक साइड, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि T1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन T2, तो व्हाट विल बी द पावर ट्रांसमिटेड। तो पावर ट्रांसमिटेड क्या होता है कि फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी तो ले लीजिए भी कि वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको इन मीटर पर सेकेंड में इसको आप मान लीजिए, तो व्हाट विल बी द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट विल बी T1 माइनस T2 नेट टेंशन इंटू वेलोसिटी। तो दैट will be the power transmitted by the belt, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, वाट, इसका यूनिट क्या होगा, वाट, ठीक है। तो अब इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, टाइट साइड और स्लैक साइड। अब यहाँ पे टाइट साइड टेंशन और स्लैक साइड दोनों टेंशन आपका इन्वॉल्व हो गया, तो देयर माइट हैव सम रिलेशन बिटवीन टाइट साइड एंड स्लैक साइड। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन हम लोग निकाले थे ये टाइट साइड और स्लैक साइड, तो ये हम लोग रिलेशन निकाल चुके हैं। तो अब हम इस रिलेशन का डायरेक्ट हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। आप प्रीवियस एक दो वीडियो देखेंगे, ऑलरेडी इस वीडियो में भी मैं लिंक दे दिया हूँ। तो ये जो है आपका रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन निकला था, और इसी के साथ साथ हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी पढ़े थे। तो आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में भी देखे थे कि TC इक्वल टू क्या निकल करके आया था, MV² और ये TMAX भी निकल करके आया था। TMAX का भी कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट है तो ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट में क्या निकल करके आया था, σ×BT, वेयर बी इज द विड्थ, टी इज द थिकनेस एंड सिग्मा इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन, सॉरी स्ट्रेस इन द बेल्ट। और इसमें एक और टेंशन होता है इनिशियल टेंशन, ठीक है ना। इनिशियल टेंशन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इनिशियल टेंशन जनरली जो है आपका सम ऑफ द टू टेंशन जो है, एवरेज ऑफ द टू टेंशन। क्यों कि जब भी आप बेल्ट देखेंगे, इवन इन स्टेटिक कंडीशन जब ये पुली रोटेट नहीं हो रहा है, उस समय भी बेल्ट में थोड़ा सा कुछ टेंशन होता है, तो वही टेंशन को हम लोग जनरली इनिशियल टेंशन बोलते हैं। जो कि यदि आप लिखना चाहें तो वहाँ पे टाइट साइड में जो है आप देखेंगे तो T1 माइनस T0 होगा टाइट साइड में इनिशियल टेंशन, और स्लैक साइड में जो है क्या होगा, T2 प्लस T0। तो ये आपका टाइट साइड और स्लैक साइड में जो है टेंशन होता है इनिशियल टेंशन। यदि आपने इसको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसिडर कर लिया है तो यही T=T1 प्लस T2 प्लस 2TC, क्योंकि दोनों साइड होगा, टाइट साइड भी और स्लैक साइड भी होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इनिशियल टेंशन इन दी बेल्ट, ये टी नट है, ठीक है, इनिशियल टेंशन इन दी बेल्ट। तो अब हम जो है जो निकालने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, अब हम निकालने जा रहे हैं कि ये जो पावर ट्रांसमिशन था, इस पावर ट्रांसमिशन में हम लोग ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं, सारे फार्मूले भी इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ चुके। अब इस इम्पोर्टेंट फार्मूला के साथ साथ ये देखिए कि ये हमारा इक्वेशन क्या है,
पावर ट्रांसमिटेड, और ये टी वन बाई टी टू क्या है, ई टू दी पावर म्यू थीटा। तो देखिए यहाँ पे तो दोस्त टी वन अपन टी टू को आपने क्या लिखा है, ई टू दी पावर म्यू थीटा। तो हम यहाँ पे टी टू इक्वल टू, यदि टी टू इक्वल टू टी वन अपन ई टू दी पावर म्यू थीटा लिखें तो कोई नाराजगी, ठीक है ना। म्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, एंड थीटा इज दी एंगल ऑफ लैप, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये टी टू यदि हम इस तरह से निकाल सकते हैं तो टी टू का वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख भी सकते हैं, ठीक है ना। इस टी टू का वैल्यू हम उस इक्वेशन में रख देंगे। तो अब इसको आप इक्वेशन जो है ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये इक्वेशन आपका वन हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया, टू हो गया, ठीक है। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, क्या लिख सकते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ टी टू फ्रॉम टू इन वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो टी वन माइनस टी वन अपन ई टू द पावर म्यू थीटा और इनटू क्या हो जाएगा आपका भी, ठीक है। अब यहाँ पे टी वन को हम कॉमन ले सकते हैं, टी वन को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपन वन ई टू द पावर म्यू थीटा इनटू भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है p इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो, ये t1 और v तो है ही, और c, वेयर c इज कॉन्स्टेंट, वेयर c इज कॉन्स्टेंट एंड यू कैन से c इक्वल टू वन माइनस वन अपन ई टू द पावर म्यू थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम टेंशन होता था, ठीक ना, हम मैक्सिमम टेंशन का फार्मूला जो है डेराइव किए हुए हैं कि मैक्सिमम टेंशन जब निकालते थे कहाँ पे, टाइट साइड में, तो क्या होता था, T1 प्लस C, मैक्सिमम टेंशन जो है निकालते थे तो क्या होता था इन टाइट साइड, T1 प्लस TC, वे TC इज दी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर किया है, ठीक है। तो T1 प्लस TC यदि यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम टेंशन T इक्वल टू T1 प्लस TC है, तो T1 इक्वल टू T माइनस TC रख सकते हैं क्या, ठीक है। तो T1 जो है, T1 यहाँ पे ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, T माइनस TC इंटू भी इंटू सी, ठीक ना। C ध्यान दीजिएगा कि क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम T माइनस TC इंटू भी इंटू सी, और TC का वैल्यू हमें मालूम है एम वी स्क्वायर, ये देखिए एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं T इक्वल टू T1 प्लस TC, ये मैक्सिमम टेंशन था आपका टोटल टेंशन। तो टी माइनस एम वी स्क्वायर टी सी के जगह पे हम यहाँ से उठा करके वैल्यू रख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भी इंटू सी, या इसी को टी इंटू भी माइनस एम भी क्यू रख सकते हैं, और ये सी कांस्टेंट है अपने जगह पे, ठीक है। अब ये जो पी है आपका पावर, ये जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो है मैक्सिमम जो टेंशन है टोटल टेंशन, दैट विल बी द कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज हियर द वेलोसिटी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वेलोसिटी को डी पी बाई डी वी इक्वल टू जीरो कर दें तो क्या मैक्सिमम नहीं निकल जाएगा, तो इसको आप जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप जो है रिजॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, टी और भी का डिफ्रेंसिएशन वन माइनस, ये क्या हो जाएगा, एम और थ्री भी स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से टी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे टी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री एम भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, या एम भी स्क्वायर को हम थ्री टी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इट्स टी सी इक्वल टू क्या हो गया, टी अपॉन थ्री, टी अपन थ्री, या आपको यदि भी निकालना हो, यदि यहाँ से आप भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट टी बाई थ्री एम, स्क्वायर रूट टी बाई थ्री एम, ठीक है। तो इस तरह से आप जब जहाँ जो निकालना चाहें कि जो है कंडीशन फॉर दी जो है कंडीशन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी एट विच द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसमिटेड इज द स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई थ्री एम, ठीक है। तो दैट मीन्स कि
जो है इस कंडीशन से आप एक लाइन लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसमिटेड, मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसमिटेड व्हेन द व्हेन द व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन विल बी द 1/3 ऑफ द टोटल टेंशन, ठीक ना। तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे वेलोसिटी भी देखें कि वेलोसिटी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर पे ये आपको जो है वेलोसिटी जो है मैक्सिमम पावर कितना आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वो वेलोसिटी आपके पास यहाँ मिल गया। टोटल टेंशन यदि आप निकालें यहाँ पे जो है एट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, एट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर टी इक्वल टू टोटल टेंशन क्या होता था, टी आपका टी वन प्लस टी सी यही होता था, टी वन इक्वल टू जो है टी वन प्लस टी सी। तो यहाँ पे आप टी वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टी माइनस टी सी, दैट मीन्स कि टी माइनस और टी सी क्या हो गया टी बाई थ्री, तो टू बाई थ्री इंटू टी, ये आपका कंडीशन निकला। तो एट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन दी मैक्स दी टेंशन इन टाइट साइड विल बी दी 2/3 ऑफ टोटल टेंशन, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है हमारा कि जो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तीन चार कंडीशन निकले आपके, ठीक ना, जैसे ये टी वन इक्वल टू क्या निकला 2/3 by t, तो ये कंडीशन तो एक निकला, इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल में किस तरह से कब कंडीशन आएगा, उस कंडीशन को आप यूज करके फाइनली आप निकाल सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम पावर जो ट्रांसमिट होगा वो कितना होगा, ठीक ना। उसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना होना चाहिए, तो इस तरह से आप मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस कंडीशन को रखते हुए यदि आप मैक्सिमम पावर निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे P इक्वल टू, यहाँ पे P हम रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा T माइनस एम और V स्क्वायर की जगह क्या होगा T बाई थ्री एम, ध्यान दीजिए यहाँ पे T अपन थ्री एम रखेंगे कि नहीं, वी की जगह वी स्क्वायर की जगह पे ये इक्वेशन हम रख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ठीक है। और टी बाई थ्री एम वी की जगह पे वी स्क्वायर की जगह पे, और इनटू ये सी तो कांस्टेंट था, मतलब वन माइनस वन अपन ई टू द पावर म्यू थीटा, ठीक है। तो अब इसको तोड़ेंगे आप तो एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी बाई थ्री दैट मीन्स की टू टी बाई थ्री इंटू सी, तो वन माइनस वन अपन ई टू द पावर म्यू थीटा। तो इस तरह से आप इंटरप्रेट करके जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द होल ऑल अबाउट द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, कि पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टेंशंस एक्ट इन द बेल्ट, टाइट साइड टेंशन या स्लैक साइड टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, मैक्सिमम टेंशन एंड इनिशियल टेंशन। तो ये हम लोग सब कंसिडर किए, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने इसको यदि समझा तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल हम लोग भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल जो है करेंगे, अभी आप इनको देखते रहिए वीडियोज को और अपनी ज्ञान बढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।